हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फिर उनको थोड़ा टफ टाइम मिलता है। टफ टाइम इस हवाले से मिलता है कि उनको तो जॉब वो तो करते हैं 20 आवर्स का, 20 आवर में तो उनका इतना सेविंग होता नहीं है। इतना सेविंग होता है कि वो सिर्फ अपना जो खर्चा है ना बिल्स का, यूटिलिटी बिल्स का, वो सब वो सिर्फ निकाल लेते हैं, बाकी जो है बाकी वो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है ना वो क्या करते हैं कि ऊबर चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, जिसमें से वो अपने यहाँ पे दो किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें आप टैक्स पे करते हो। एक होता है TFN, जिसको हम बोलते हैं टैक्स फाइल नंबर, ठीक है, जिसमें आप जॉब जो जॉब आप लोग हम लोग करते हैं ना, तो वो हम TFN के थ्रू उसका टैक्स पे करते हैं, सही है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ABN का। ABN मीन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो उस पे जो आप जो जॉब करते हो, मतलब टैक्सी चलाना यहाँ पे एक किस्म का बिजनेस है, ठीक है। तो आपका आपको जो पैसे आते हैं ना टैक्स वगैरह का, जो व्हेन यू गोइंग टू पे द टैक्स गवर्नमेंट, वो आप अपने ABN के थ्रू आप उसको डिपॉजिट करते हो। तो उसमें आवर्स नॉर्मली मेंशन नहीं होते। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ABN के थ्रू काम करते हैं, सही है, और फिर उनका टैक्स भरते हैं साल के बाद जितना भी टैक्स होता है। तो आजकल लोग वो काम करते हैं, स्पेशली कोविड के बाद, कोविड जब ख़त्म हुआ ना लॉकडाउन, लॉकडाउन में तो काफ़ी वो अलग बात है। लॉकडाउन के हवाले से भी मैं एक वीडियो बना लूँगा कि लॉकडाउन के दौरान कैसा था ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ना। हाँ, तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो फिर बात आगे चली जाएगी ना, क्योंकि बातें बहुत हैं, चैनल अभी बनाया मैंने, सही है। तो सब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सही है। हाँ, तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं लॉकडाउन के बाद जब ख़त्म हुआ, तो लोगों ने ज़्यादातर वो काम स्टार्ट किया हुआ कि ऊबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उससे पैसे बनाते हैं। हफ्ते के वो हफ्ते में उनके वर्क फुल लाइक 7 डेज, वो नॉर्मली दे अर्न तकरीबन, वो उनको अर्न होता है 1300-1400 डॉलर उनको बच जाते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे क्या होता है कि आपको टफ़ टाइम मिलता है, इन द सेंस कि आपके पास कुछ रेस्ट करने का टाइम नहीं होता ना। आप हर टाइम जॉब करते हो, हर टाइम जॉब करते हो, जॉब पे लगे होते हो। तो अगर आप सिक होते हो, बीमार होते हो, तो देन इट्स नॉट वर्थ टू कम एज ए स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट 2 साल में, हाँ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप 2 साल जो है ना आप स्टूडेंटशिप में जब टफ टाइम गुजारते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ टू अर्न मनी, लोग पैसा कैसे कमाते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में तो ये मशहूर है कि भाई बस मनी ग्रोज ऑन द ट्रीज, बस ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट बंदा आता है ना, वो इतना टफ टाइम गुजारता है कि उसको पता चलता है 2 सालों में कि भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है ना। तो उसकी एक किस्म की लाइफ भी बन जाती है, क्योंकि वो ही स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टफ टाइम, ठीक है। तो जब 2 साल पूरे होते हैं, अपना फीस भरता है बेचारा, सब कुछ करता है ना, तो 2 साल में समझो कि आप फीस भरते हो तकरीबन 64,000-65,000 डॉलर जो है ना, ये आपका फीस होता है मिनिमम जो कि आप भरते हो, सही है। तो अगर आप स्टूडेंट्स वीज़ा पे आते हो तो उसके लिए आप सोचते हो कि भाई मैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हूँ तो आया ये वर्थ करेगा, मैं काम कर सकूँगा कि नहीं। अगर आप काम कर सकते हो, आप इतना कैपेबल हो कि आप जॉब कर सकते हो ना स्टूडेंट वीज़ा पे, तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे। लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि लोग जब आते हैं ना बीमार होते हो जाते हैं बीच में, तो फिर सब सारा खर्चा ऊपर से आपके सेमेस्टर की फ़ीस होती हैं आपको पे करने पड़ती है ना, तो ऑन टाइम। तो पाकिस्तान से मुश्किल है कि आपके पीछे कोई पैसा भेजें। अगर आप 1 साल का जो पैसा है फीस का आप साथ में लेके आते हो ना, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी 1 साल का जो फीस है वो जब आप उसको पे करते हो ना, उसको यू कैन अर्न दैट इन 2 ईयर्स ना, सही है। तो ये एक ऑप्शन है, स्टूडेंट का भी है। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने लोगों को, जो दोस्त हैं हमारे, मैं उनको सॉर्ट ऑफ डिस्करेज करता हूँ कि भाई आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे ना हो। अच्छा, ये हम एक बीच के साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, और ये रहे थे ना, सही है। साथ साथ में आपको ये भी शेयर करता चाहूँ, ठीक है, आज पानी भी ज़बरदस्त आया हुआ है, बहुत गर्मी है, समर है, लेकिन यहाँ पे बीच के साइड पे है ना, तो हवा ठंडी हवा चल रही है, सही है।
हाँ, एक दूसरे वीडियो में भी इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगा कि आप लोगों को आइल्स कैसे करते हैं, क्या तरीका है। बाज़ लोग जो है ना पैसे देते हैं लोगों को, ट्यूटर्स को, वहाँ से पढ़ते हैं आइल्स, हज़ारों में लाखों में लोग पैसा देते हैं ना, तो उससे भी टू गेट इट ऑफ दैट थिंग इज़ वेल हाउ टू डू द आइल्स बाई योर सेल्फ, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद जो है ना, मैंने खुद आइल्स खुद से किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको ये भी बताता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कहीं बता दूंगा कि अगर मैं भूल गया ना, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं, अगर भूल गया तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि भाई प्लीज़ डू अ वीडियो ऑन आइल्स एज वेल, कि कैसे हम आइल्स करना है, हम कैसे आइल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है स्टूडेंट वीज़ा पे आपको, अच्छा स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप आते हो ना तो आपको इंश्योरेंस भी बनना पड़ता है। इंश्योरेंस तो हर एक को बनना पड़ता है ना जो टेम्प्रेरी भी आता है, लेकिन स्टूडेंट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस वो मस्ट होता है जब आप आते हो, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट और परमानेंट रेजिडेंट, यू डोंट नीड टू पे इंश्योरेंस, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में वो भी मस्ट है, अगर आपने स्टूडेंट पे आना है तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि भाई मैंने फीस भी देना है, मैंने फीस भी भरना है, सही है। अच्छा अभी हम पानी की तरफ आ गए हैं, थोड़ा सा साफ सूफ नहीं है क्योंकि कल रात बारिश हुई है ना काफ़ी, ठीक है। हाँ तो आप हम आ गए, पहुँच गए यहाँ पे, पानी है, गर्मी है बहुत ज़्यादा और सूरज भी काफ़ी गर्म है, और ये हम पानी के साइड पे आ गए हैं, ठीक है। पानी आ रही है हमारे तरफ, ठीक है। हाँ जनाब, तो ये एक चीज़ है आप लोग अपने जहन में रखें कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आना जो है वो आसान है, आपको वीज़ा मिलेगा आसान आराम से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैन यू डू दोज ऑल थिंग्स, अगर आप इतना कैपेबल हो, पहले से आप वेल एनर्जेटिक हो, देन यू कैन कम एज अ स्टूडेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने फ्रेंड्स को ना मैं सॉर्ट ऑफ डिस्करेज करता हूँ कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा पे ना हो, अपने लिए स्टूडेंटशिप पाकिस्तान में ख़त्म कर लो, इंडिया में पढ़ लो, जो भी कंट्री है वहाँ पर पढ़ लो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, आपको मतलब आपके जो कंडीशन है ना वो भी आसान होती हैं, आपको वीज़ा का अप्लाई करने में, सिटीजनशिप में, पीआर में, अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो ना तो आपका पीआर सोचो चला गया तकरीबन 3 साल के बाद, आपने उसका टीआर के लिए अप्लाई करना होगा, टेम्पररी रेजिडेंट, और उसके बाद पीआर के लिए। तो अगर आप टीआर आते हो ना टेम्पररी रेजिडेंट, तो आफ्टर 2 ईयर्स ईजी यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। ये सारी चीज़ें आप लोग जहन में रखो और ट्राई करें कि एज ए स्टूडेंट ना आए। अगर अगर आप लोग ये काम कर सकते हो ना कि 7 डेज वर्क कर लो, जो कि आजकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा वो चेक करता है ना, चेक एंड बैलेंस रखता है कि भाई ये स्टूडेंट है, आपके वेल बींग्स का सोचता है ना, तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है अपने। और जो भी अगर आपको किसी को भी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली प्लीज़, आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑन दिस वीडियो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैंने यहाँ पे लोग देखे हुए हैं ना कि लोग कैसे क्या करते हैं, क्या होता है सब कुछ, ठीक है। हाँ तो यही बातें हैं सारे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों के साथ और भी भाई बातें शेयर करूँगा, बहुत कुछ बोलूँगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सही है। और ये वीडियो जो है उधर पाकिस्तान में भी काफ़ी दोस्त हैं, वो भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, आप लोग भी इनको शेयर करें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।